Hey creative people, welcome back to Artsy Priyanka. In this video, we are going to paint cute little Ganpati using watercolors. And this video is going to be a watercolor tutorial video. So, chaliye hum pyare se Ganpati banate hain using these watercolors. So, without any further ado, let's get started. तो मैं स्केचिंग से स्टार्ट करूंगी. हियर इन आई एम यूजिंग दिस मैकेनिकल पेंसिल फॉर द स्केच. अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो. आप 2B पेंसिल यूज कर सकते हो या 3B पेंसिल. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो आउटलाइंस हैं दे शुड बी लाइट, क्योंकि जब हम वाटर कलर यूज करके पेंट करेंगे तो इन द एंड दोस लाइंस शुडंट बी विजिबल. सो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि आप लाइट स्केच बनाएं एंड ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक इट रफ. इट्स जस्ट यू नो हमारे लिए इट्स जस्ट गोइंग टू वर्क एज आउटलाइन एंड हमें ये गाइड करेगा कि हमें कहाँ कलर करना है कहाँ कलर नहीं करना है. माई स्केच इज ऑलमोस्ट डन. नाउ इट्स टाइम फॉर पेंटिंग. तो यहाँ पर मैं एक थिक राउंड ब्रश यूज कर रही हूँ एंड मैं पूरे पेपर को वाटर वॉश देने वाली हूँ. यहाँ पे नॉट द पार्ट्स जहाँ पे हमने गणपति बनाए हैं बट फॉर द बैकग्राउंड. तो मैं पूरे बैकग्राउंड को इस राउंड ब्रश से वाटर वॉश दूंगी. तो वाटर वॉश देने का फ़ायदा ये है कि जब आप यू नो कलर्स यूज़ करोगे बैकग्राउंड में, अगर आपका पेपर वेट है एंड उसके ऊपर आप जब कलर्स यूज़ करते हो सो कलर्स आर गोइंग टू ब्लेंड वेरी नाइसली. सो इसी तरीके से आप पूरे बैकग्राउंड को वाटर वॉश दें एंड देन उसके ऊपर आप कलरिंग स्टार्ट करें. Using yellow and green as the base color for my background and मैं अच्छी तरीके से thick brush को use करके इस color को पूरे background में fill कर रही हूँ. अब मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है एंड मैं सेम राउंड ब्रश को यूज़ करके गणपति के स्किन कलर फिल कर रही हूँ यूजिंग दैट ब्राउन. एंड ये मैं बहुत लाइटली फिल कर रही हूँ. वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पे बिकॉज ये हमारा बेस कलर के एज अ बेस कलर इट्स गोइंग टू वर्क. सो इसीलिए सबसे पहली लेयर एकदम लाइट होगी, उसके ऊपर हम डार्कर शेड यूज़ करके शेडोज ऐड करेंगे एंड जहाँ पे भी हाईलाइट्स है तो उस पार्ट को हम एज इट इज रहने देंगे एंड जस्ट डार्क कलर यूज करके वी एड शेडोज हियर एंड देयर एंड डू द शेडिंग पार्ट. सो यही टेक्निक को यूज करके वी आर गोइंग टू फिल कलर फॉर दिस होल कैरेक्टर. Using cobalt blue and it's called cobalt blue hue. ये बहुत ही beautiful color है. Blue का बहुत ही सुंदर shade है. That is why I'm using it here because I love this shade. After
base coloring, I'm adding shadows. And shadows add करना बहुत ही सिंपल है. जस्ट यूज द डार्कर शेड, जो भी बेस कलर आपने यूज किया है उसका डार्कर शेड यूज करके जस्ट यू नो पुट ऑन द शेडोज हियर एंड देयर. बस हाँ, पार्ट्स आपको बस ये याद रखना है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है. जो पार्ट्स में यू नो जो पार्ट्स अंदर की तरफ है दे आर गोइंग टू बी डार्कर, ताकि यू नो इट्स गोइंग टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ डेप्थ, कि वहाँ पे डेप्थ है. एंड जो पार्ट्स यू नो हाईलाइटेड है, जो उभर के दिख रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी लाइट. सो यू नो इट्स इट विल क्रिएट एन इल्यूजन कि द कैरेक्टर इज इन 3D. फॉर द आउटलाइंस आई एम यूजिंग बर्नट उम्बर. इट्स काइंड ऑफ अ ब्राउन शेड. तो जब भी आपको अगर आउटलाइंस ऐड करनी है अपनी पेंटिंग में, तो स्टार्ट विद अ लाइटर कलर. तो सबसे पहले आप जैसे कि बर्नट उम्बर यूज़ कर सकते हो या रॉ उम्बर यूज़ करके जस्ट ड्रॉ थिन आउटलाइंस, ताकि यू नो अगर आप लाइटर शेड यूज़ करते हो या ऐसा कोई कलर यूज़ करते हो जो आपके बेस कलर से मैच करता है, तो कलर्स विल लुक ब्लेंडेड एंड इट्स गोइंग टू बी यू नो मोर प्रेजेंटेबल. ज़्यादा प्लेजेंट दिखेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा. एंड उसके बाद अगर आपको कोई डार्कर शेड यूज़ करना है, जैसे कि आँखों के लिए या फिर उन पार्ट्स के लिए जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, देन आफ्टर यू नो यूजिंग अ लाइटर कलर, आप बाद में कोई भी डार्कर शेड यूज़ करके यू कैन यू नो ऐड द डिटेल्स. Giving the outline using burnt umber, अब मुझे you know मेरी lines थोड़ी सी dark चाहिए, तो मैंने black use किया है. And जब भी आप black use करते हो, so just keep that in mind कि आप pure black नहीं use करो, क्योंकि अगर आप अपनी painting में pure black use करते हो तो वो बहुत unnatural दिखता है. So whenever you need black, आप you know या तो आपके पास अगर pure black है तो उसको दूसरे किसी color के साथ mix कर दो, and नहीं तो फिर आप ivory black use कर सकते हो या पाइनस ग्रे भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दे आर ब्लैक बट दे आर नॉट प्योरली ब्लैक. तो जो ये जो ब्लैक्स हैं दे गेट इजली ब्लेंडेड विथ द होल पेंटिंग एंड वो फिर नेचुरल लुक देते हैं एंड इट लुक्स गुड. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड व्हाइल पेंटिंग. नाउ आई ऐड फ्यू मोर डिटेल्स हियर एंड देयर, लाइक द आउटलाइंस, जो हमने पगड़ी बनाई है उसकी आउटलाइंस, एंड मुझे जहाँ पर भी लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी चाहिए, नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. सो नाउ मैं एक आर्टिस्ट पेन यूज़ करूँगी एंड उसको यूज़ करके मैं कुछ लाइंस ऐड करूँगी, लाइक नॉट एग्जैक्टली द आउटलाइंस. मैं पूरे पेंटिंग में आउटलाइंस नहीं ऐड करूँगी. मुझे यू नो आई जस्ट लाइक दैट इफेक्ट जहाँ पे थोड़ा बहुत यू नो जो आर्टिस्ट पेन होते हैं उसका यूज़ हो. सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट पेन यूज़ किया है एंड मैं रैंडमली यहाँ वहाँ कुछ लाइंस ऐड कर रही हूँ बिकॉज दैट लुक्स वेरी नाइस.
एंड उसके बाद मैंने एक वाइट जेल पेन यूज़ किया है टू ऐड द हाइलाइट्स। अगर आपके पास वाइट जेल पेन नहीं है सो यू कैन यूज़ द वाइट कलर। मैं जनरली वाइट जेल पेन नहीं यूज़ करती हूँ, बट हियर इन आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव इट दैट इफेक्ट जहाँ पे यू नो रैंडमली वाइट लाइन्स अपीयर हुई है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन यूज़ किया है। एंड इफ़ यू डोंट हैव द वाइट जेल पेन देन इट्स ऑल राइट, आप वाइट वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो। After adding details here and there, we are almost done. And no, I think not yet. Let me add few more details. So we are done with the painting and this is the final output. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स और देखना चाहते हैं इस चैनल पर, so do let me know in the comments. I'll be back with another video very soon. Till then, you take care and bye-bye.